हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर एजुकेटर आशीष। आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक फेलोशिप के बारे में बात करेंगे। फेलोशिप का नाम है इंस्पायर फेलोशिप प्रोग्राम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा गवर्न होता है। तो हम इसके बारे में पता करने के लिए कहाँ जाना होगा, इसके बारे में और क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे इंस्पायर के लिए, बाकी सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इंस्पायर की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि online.inspire.gov.in पर जाना है। और यहाँ पर होम पेज पर जब आप आएंगे तो सबसे ऊपर जो स्क्रॉल डाउन करता मिल जाएगा, कॉल फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप प्रोग्राम, तो उसका जो नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर फेलोशिप वाले ऑप्शन पर जाना है। और यहाँ जो सबसे ऊपर में मिल रहा है आपको कॉल फॉर अप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप 2021, इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद में जब आप इसको खोलते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो जैसा कि DST आप सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। तो इसमें जो फेलोशिप के लिए अप्लीकेशन है 2021 के लिए वो आई हुई है। आपको अगर इंस्पायर के बारे में, उसके प्रोग्राम्स के बारे में नहीं नॉलेज है तो आप हमारा जो प्रीवियस वाला वीडियो है इंस्पायर स्कॉलरशिप, जिसकी लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप जाके देख के समझ सकते हैं कि इंस्पायर के जो प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फेलोशिप के बारे में। फेलोशिप में यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, इनोवेशन इन साइंटिफिक परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च ऑफर स्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर परसुइंग डॉक्टर डिग्री एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो फेलोशिप एट सेम लेवल एज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। ये जो फेलोशिप है वो आपको फेलोशिप देती है बिना नेट के, यानी बिना नेट की आपको ही फेलोशिप देती है। जैसे कि आप सबको पता होगा फेलोशिप के लिए JRF होना जरूरी है, लेकिन जो ये फेलोशिप है ये थोड़ी प्रेस्टीजियस है, जिसमें कि आपको मेन जो है बेसिकली नॉन नेट कैंडिडेट होने के फायदे देती है, यानी कि आप नॉन नेट कैंडिडेट हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, फेलोशिप मिलेगा। लेकिन उसके लिए थोड़े से क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया को हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो फेलोशिप है थोड़ी प्रेस्टीजियस है, थोड़ा सा इसमें तामझाम ज़्यादा है, लेकिन फेलोशिप अच्छी है, बात ये है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये फेलोशिप है बेसिकली आपको PhD परस्यू करने के लिए है, वो भी रेगुलर बेसिस पे इंडिया में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के थ्रू, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब जो दूसरी क्राइटेरिया वो ये है कि आपको जो आपकी डिग्री है वो बेसिक या अप्लाइड साइंसेस यानी इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फार्मेसी। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है तो इंस्पायर स्कॉलर्स क्या होता है, इंस्पायर स्कॉलर्स वो होते हैं जिन्होंने इंस्पायर स्कॉलरशिप का प्रोग्राम लिया है और उनको स्कॉलरशिप थ्रू आउट उनके MSc मिली है, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो उनको क्या करना है, उनके जो मास्टर्स हैं उनमें उनको 70% मार्क्स मिलने चाहिए, या उसके जो इक्विवेलेंट CGPA यानी 70% के इक्विवेलेंट में जो CGPA होता है उतने मार्क मिनिमम होने चाहिए, उसके बाद होंगे तो अच्छी बात है। ये हो गया। नेक्स्ट जो है, अगर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं है तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट रैंक होल्डर हो एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन इन बेसिक अप्लाइड साइंसेस इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस एंड वेटरनरी साइंसेस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस इन इंडिया। जो सेकंड है, अगर आप इंस्पायर स्कॉलर नहीं है तो आपको क्या है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यानी कि उस यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें आपने फर्स्ट रैंक रखा हो, यानी कि आप टॉपर हो उस यूनिवर्सिटी के जो बेसिक या अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट है या फिर इंजीनियरिंग या फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस या वेटरनरी साइंस, उसके डिपार्टमेंट्स में आप यूनिवर्सिटी लेवल पे फर्स्ट रैंक होल्डर हो, कॉलेज लेवल पे नहीं। अगर आप कॉलेज लेवल है, यानी कि आपने लेट सपोज किसी डिग्री कॉलेज से MSc किया हुआ है और आप उस कॉलेज के टॉपर हैं, यूनिवर्सिटी के नहीं टॉपर हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी में टॉपर होना चाहिए, अथवा फर्स्ट रैंक होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल इन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन ओनली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट या सेचुरेटरी बॉडी इन इंडिया। या अगर आपने मास्टर्स नहीं किया है तो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो मेडिसिन में ली हो उसके आप यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में फर्स्ट रैंक होल्डर हो। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट रैंक होल्डर इन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन ओनली फ्रॉम एनी इंडियन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी से। अगर आपने विदेश से कहीं से किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल क्राइटेरिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा है, प्लीज नोट दैट स्टूडेंट हु यानी कि जो फर्स्ट रैंक होल्डर हैं, ठीक है, आर फर्स्ट रैंक होल्डर इन कॉलेज इंक्लूडिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस एग्जामिनेशन या हैव ऑब्टेंड डिग्री थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड,
अथवा आर फर्स्ट रैंक होल्डर इन एनी स्पेशलाइजेशन गिवन एट एमएससी सेकेंड ईयर लास्ट ईयर नॉट एलिजिबल फॉर इंस्पायर फेलोशिप प्रोग्राम। यहाँ पर थोड़ा सा एक ये जो है वो ट्रिकी पॉइंट है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पर जो बात की गई हुई की गई है कि अगर आप किसी ऑटोनॉमस कॉलेज में आपने टॉप किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। दूसरी बात, अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से आपने डिग्री ली है, किसी यूनिवर्सिटी से ही ली हो, वहाँ पे आप टॉपर हो, तो भी आप यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो ये है कि आपका जो फर्स्ट रैंक होल्डर है केवल सेकेंड ईयर में आते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। ठीक, कैंडिडेट हु आर इंडियन सिटीजन हैव एक्वायर्ड देयर एलिजिबिलिटी फॉर इंस्पायर फेलोशिप ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड 2021 आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पर बात किया गया है कि जो लोग, ऐसे लोग जिन्होंने इंस्पायर फेलोशिप का जो फॉर्म था 2020 वाला भी भरा था और 2021 वाला, लेकिन अब तक वो कहीं यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में वो क्या है उनको एडमिशन नहीं मिला है पीएचडी में लेट सपोज किसी वजह से, तो वो अगेन इस फॉर्म को भर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। अब जो मेन है वो ये है कि द स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी इंजॉइंग सीनियर रिसर्च फेलोशिप आर हायर पोजिशन इन एनी प्रोजेक्ट आर अदरवाइज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई दिस। अब जो ऐसे लोग जो किसी प्रोजेक्ट में, इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट में किसी प्रोजेक्ट में एज एसआरएफ काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस जो फेलोशिप है उसको नहीं भर सकते हैं। फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर इंस्पायर फेलोशिप अगेंस्ट द प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट नॉट नीड टू अप्लाई अगेन। अब यहाँ पर जैसे इंस्पायर का जो प्रोग्राम है उसमें दो जो हैं ऑफर लेटर मिलते हैं, एक तो प्रोविजनल मिलता है एक फाइनल मिलता है। तो जो लोगों को फाइनली सिलेक्शन मिल गया है उनकी जो मतलब या तो उनकी फेलोशिप रिजेक्ट हो गई है या उनको फेलोशिप मिल गया है, तो ऐसे लोग जिनकी एक्सेप्ट हो गई है तो भी, रिजेक्ट हो गई है तो भी, अगर आप फाइनली सिलेक्टेड हो गए हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं और आपको कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आती है एमोल्यूमेंट की, यानी कि जो उसकी वैल्यू है फेलोशिप की, उसकी उसके जो अमाउंट है वो कितना रहेगा, कितने टेन्योर तक रहेगी, उन सब के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एमोल्यूमेंट्स में द फेलोशिप अमाउंट अंडर इंस्पायर फेलोशिप इज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम्स ऑफ फेलोशिप। जैसे कि जेआरएफ और एसआरएफ की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नॉर्म्स हैं फेलोशिप की, यानी कि 31,000 प्लस एचआरए और 35,000 जो एसआरएफ के लिए हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहेंगी, प्लस जो कंटिजेंसी होगी वो 20,000 पर ईयर की मिलेगी। देर इज ए प्रोविजन ऑफ 1,000 इंस्पायर फेलोशिप टू बी ऑफर्ड टू एलिजिबल स्टूडेंट अगेंस्ट द इंस्पायर फेलोशिप 2021 कॉल एंड ईच फेलोशिप इज टेनेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और कंप्लीशन ऑफ पीएचडी डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो बात की गई वो ये कही गई है कि जो प्रोविजन है यानी कि जो देने का इनका लक्ष्य है वो 1,000 फेलोशिप ही है, इंस्पायर फेलोशिप, या आप यहाँ पर फर्स्ट कम टू फॉर्म फर्स्ट सर्व के बेस पे होगी, 1,000 लोग फॉर्म को ये सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं को ही देंगे। अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो 1,000 बच्चे उसमें से सिलेक्ट किए जाएंगे और मैक्सिमम 5 ईयर तक दिया जाएगा या आपकी पीएचडी के कंप्लीशन तक, जो भी पहले आ जाएगा। लेट सपोज आपकी पीएचडी 3 साल में कंप्लीट हो गई तो आपको 3 साल तक ही दिया जाएगा, और अगर आपकी पीएचडी 5 साल में कंप्लीट होती तो 5 साल तक दिया जाएगा। लेट सपोज किसी कारण वजह से आपकी पीएचडी फिर से एक्सटेंड हो गई 6 सालों तक, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 5 साल की ही दी जाएगी, ज़्यादा 6 साल की नहीं की जाएगी, जो भी पहले आ जाएगा वहीं तक रखा जाएगा। अब ऐसे लोग जो एमएससी या एमफिल या एमटेक या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी या एमफिल पीएचडी या एमटेक पीएचडी कोर्सेस में एडमिशन लेंगे, उनको इस फेलोशिप को अवेलेबल नहीं रखा गया, उनके लिए इस फेलोशिप को अवेलेबल नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। अब हाउ टू अप्लाई का जो ऑप्शन है वो ये है कि आपको ऑनलाइन ही वेब पोर्टल पे इनके एप्लीकेशन डालना है। एप्लीकेशन के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और जो ये इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक है, रात के 12 बजे तक। तो आप 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो जो इनकी ये मेल वेबसाइट है, मेल साइट है, इस पर आप मेल कर सकते हैं अथवा इनके जो नंबर है इन पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होगा, क्लास 10th की मार्कशीट होगी या सर्टिफिकेट होगा जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ का होगा, ये भी मैंडेटरी है, पीडीएफ में ये दिया जाएगा। मार्कशीट जो होगी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक 12th यूजी और पीजी प्रोग्राम्स की वो रखी जाएंगी। फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनके लिए जो इंस्पायर स्कॉलर्स नहीं है, जो जो लोग इंस्पायर स्कॉलर्स हैं ऑलरेडी उनको स्कॉलरशिप मिल गई है और फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उनको फर्स्ट रैंक होल्डर की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्पायर स्कॉलर नहीं है और उसके बाद आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे और फर्स्ट रैंक होल्डर हो करके यानी टॉपर हो करके, तो आपको फर्स्ट रैंक होल्डर जो सर्टिफिकेट है वो आपको
चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी आपका होना चाहिए। और अगर आप लोग ऑलरेडी, जैसे ये तो वो हो गई नॉर्मल बात जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया, अगर आप ऑलरेडी पीएचडी में एडमिशन ले लिए हैं तो आपको एडमिशन लेटर वहाँ की अथॉरिटीज के द्वारा चाहिए, और उसके बाद में फी रिसिप्ट वहाँ की पीएचडी एडमिशन का चाहिए, सीबी पीएचडी सुपरवाइजर जो आपके उनका चाहिए, और इंडोर्समेंट लेटर चाहिए। इंडोर्समेंट लेटर जो है उसका टेम्पलेट यहाँ पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। इंडोर्समेंट लेटर का फॉर्म वहाँ पर भर के उस टाइप का वहाँ पर आपको जमा करना है। डिटेल राइटअप ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल अप्रूव बाई सुपरवाइजर, आपको सुपरवाइजर से अपने अप्रूव करा के आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसको देना है। इफ नॉट एनरोल्ड इन पीएचडी, अगर आप एनरोल्ड नहीं है पीएचडी में, जस्ट आपने एमएससी पास किया है, अभी आप सीख कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपको क्या करना है, थ्री चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड सुपरवाइजर, आपको तीन चॉइसेस देनी है किसी यूनिवर्सिटी की, आप कहाँ करने वाले हैं, और तीन सुपरवाइजर देना है कि किन के अंडर में करने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं सुपरवाइजर या उन्हीं इंस्टीट्यूट में आप जाकर पीएचडी करें या यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपसे मिनिमम तीन चॉइसेस मांगे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ब्रीफ टेंटेटिव राइटअप ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, आपके रिसर्च प्रपोजल का 2000 करेक्टर्स में एक छोटा सा राइटअप मांगा जाएगा, उसी एक बॉक्स दिया जाएगा, उसी में फिल किया जाएगा, तो आपको वो भी तैयार रखना है कि आपको किस टॉपिक पे काम करना है, उसके बारे में थोड़ा सा राइटअप लिख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जो आप रिसर्च प्रपोजल का राइटअप देंगे, जरूरी नहीं कि आप उसी टॉपिक पे ही पीएचडी करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेधड़क रहिए कि हमने हमने तीन कॉलेजेस के नाम सेलेक्ट करके दे दिए, या यूनिवर्सिटी के नाम सेलेक्ट करके दे दीजिए, और एक टॉपिक दे दिया, अब हम उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई तो इस वजह से, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको आपको उसी पे ही करना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा क्लियर रखिएगा। जो लास्ट डेट है वो ऑलरेडी मैंने बता दी, 31 मार्च तक है। तो ये जो हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब मैं फर्स्ट जो रैंक होल्डर सर्टिफिकेट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट जो है आपके एमएससी इन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टेटिक्स, ये आपके हो गए नॉर्मल या बेसिक साइंसेस हो गए। और अपने के अप्लाइड में आ जाते हैं जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक, एस्ट्रोफिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियो फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस, जियो केमिस्ट्री, इकोलॉजी, ओशेनिक साइंसेस, बायोफिजिक्स, मरीन बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये हो गए आपके सब्जेक्ट जिनमें आपकी एमएससी होनी चाहिए और आप फर्स्ट रैंक होल्डर के साथ होनी चाहिए। अगर आप इंस्पायर स्कॉलर नहीं है, अगर आप इंस्पायर स्कॉलर हैं तो आपकी इन सब्जेक्ट में से किसी एक में होनी चाहिए आपकी मास्टर्स, और 70% मार्क या इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ साथ। अब आप फर्स्ट रैंक होल्डर सर्टिफिकेट को एक बार देख लीजिए। फर्स्ट रैंक होल्डर सर्टिफिकेट ऐसा है, फर्स्ट रैंक होल्डर सर्टिफिकेट जिनको भी चाहिए वो मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर हो जाएंगे, मैं वहां पर इसको भेज दूंगा, और साथ साथ इंडोर्समेंट का भी मैं भेज दूंगा, तो आप लोग वहां जुड़ करके देख सकते हैं। और टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा जाएगा, वो भी कैपिटल लेटर्स में, या डीम्ड जो भी यूनिवर्सिटी है उसके फुल एड्रेस के साथ साथ लिखा जाएगा। तो ये हो गया। और यहाँ पर इसमें ये सर्टिफाई किया जाना है कि आपका जो नाम होगा वो यहाँ भरा जाएगा, किस डिपार्टमेंट से हैं उस यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट में, और ये जो होगा आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन ये भरा जाएगा, और कितने बच्चे आपके कॉलेज में हैं, आपकी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे थे आपके डिपार्टमेंट में, मिनिमम 10 बच्चे होने चाहिए, 10 बच्चों से अगर नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया। आपके सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में आपने एमएससी किया है या मास्टर्स किया है, बैचलर लिया है, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें भी आप करा होगा, उसके बाद में किस ईयर में किया है, यही सब करके आपको यहाँ पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रार की सील के साथ इसको बनवा लेना है जल्दी से जल्दी, और इसको फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो ये जो रहा वो पूरा इंस्पायर फेलोशिप के बारे में रहा। यहाँ पर बस मैंने छोटा सा विंडो दिया है जिसमें आपकी आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और फॉर्म भरने का जो तरीका है वो हम जल्दी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपकी सारी चीज़ों को यहाँ पर हम दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि जो बच्चे एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को भर सकें और उनको फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू सो मच।